Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चॉप्स ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट, इसे ऐड कर देना है और पानी नाक के अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में गला लेंगे। तो बस यहाँ पे चॉप्स अच्छे से गल चुके हैं और इसका जितना भी पानी है वो सारा पानी को हमें ड्राई कर लेना है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार बनती है, इंग्रेडिएंट्स भी इसके बहुत कम हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका बैटर रेडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको एक प्लेट में काट लिया है और यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है। अंडे को बेसन में ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अगर जो ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और ये इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो यहाँ पे अब एक चॉप्स लेंगे, इसमें अच्छे से डीप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए चॉप्स को मैंने अच्छे से डीप कर लिया है और पूरा कोटिंग इस पर लग चुका है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो मेरे पास फ्राई किया हुआ पहले से था ही, तो मैंने वही यूज़ किया है और इसमें ऐड कर दी है यहाँ पे चॉप्स और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसे पहले से ही टच नहीं करना है, इसके नीचे से साइड सेट हो जाए, एक तरफ से कुक हो जाए तो फिर हम इसे दूसरी तरफ से भी कुक कर लेंगे। तो बस यहाँ पे पकोड़ा चॉप्स बनके रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।